नमस्कार दोस्तों, द मिरर टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, स्टेज पर चढ़कर लंबी लंबी फेंकना बहुत आसान है, शायद इसलिए पीएम मोदी वोट मांगने के चक्कर में लंबी लंबी छोड़ जाते हैं। जुमलों पर वोट बटोरने वाली पार्टी से अब जनता हर जुमले का हिसाब मांग रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश में काला धन आएगा और 15-15 लाख सबके खाते में डाले जाएंगे। फिर एक दिन सच से पर्दा हटा, टीवी पर आकर शाहजी बोले, ये तो जुमला था। 15 लाख देने वाली सरकार कोरोना पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपए तक नहीं दे सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी में मारे गए हर पीड़ित के परिवार को मुआवजा नहीं दे सकता, क्योंकि मुआवजा देने का प्रावधान सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। इतना ही नहीं, केंद्र ने कोर्ट में दिए गए अपने 183 पन्ने के एफिडेविट में यह भी कहा है कि राज्य हर पीड़ित को 4 लाख रुपए देने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस योजना का खर्च नहीं ढोया जा सकता। मतलब साफ है कि सरकार कोरोना से मरे पीड़ितों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए भी नहीं दे सकती, लेकिन 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। पहले तो कोरोना पीड़ितों को सरकार ऑक्सीजन देने में फेल हो गई, पीड़ितों को अस्पताल में बेड तक नहीं दिला सकी सरकार। आज कह रही है कि कोरोना से मरे पीड़ित परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। देश में महंगाई आम जनता का खून चूस रही है, पेट्रोल के दाम शतक मार चुके हैं, खाने का तेल खरीदने पर आम आदमी का तेल निकले जा रहा है, और सरकार कह रही है कि हम पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं दे सकते। कोरोना काल में महंगाई बढ़ सकती है, कोरोना काल में नई संसद बन सकती है, कोरोना काल में करोड़ों पैसे फूंक कर चुनावी रैलियां हो सकती हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद भी भक्तगण अनभक्ति का गीत गाते रहेंगे और अपनी जेब कटवाते रहेंगे। जो सरकार आपको बीमारी में ऑक्सीजन तक नहीं दे सकती, वही सरकार आपसे कह रही है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते। केंद्र ने कोर्ट में कहा, कोरोना वायरस में मुआवजा दिया गया तो दूसरी बीमारियों में मुआवजा न देना एक तरह से अन्यायपूर्ण होगा। केंद्र ने बताया कि इस महामारी ने देश भर में लाखों लोगों की जान ले ली है, इस आंकड़े के अभी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में राज्य जो पहले ही आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, वो हर किसी की मदद नहीं कर सकते। केंद्र ने हलफनामे में कहा, इस तरह के मुआवजे सिर्फ भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में दिए जा सकते हैं। मुआवजा देने पर मेडिकल कमी और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा। इस खबर को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।